देशभर में कोरोना वायरस से संक्रमित मरीजों की संख्या में लगातार बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। देशभर में कोरोना पॉजिटिव मामलों की कुल संख्या 74,281 हो गई, जिसमें से 47,880 एक्टिव केसेस हैं। इसके अलावा 24,386 लोग स्वस्थ भी हो गए हैं या फिर उन्हें अस्पताल से छुट्टी दे दी गई है। इसी के साथ में 2,415 लोगों की मौत हुई है। महाराष्ट्र में सबसे अधिक कोरोना के संक्रमित मरीज अभी तक पाए गए और राज्य में कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या बढ़कर 24,427 हो गई है। महाराष्ट्र के बाद में गुजरात में कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या बढ़कर 8,903 हो गई है। इसके अलावा तमिलनाडु में कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या बढ़कर 8,718 हो गई है। और अगर बात देश की राजधानी दिल्ली की जाए तो कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या बढ़कर 7,639 हो गई है। राज्य में अभी तक 86 लोगों की मौत हो गई है। इसके अलावा कुल 2,512 लोग ठीक होकर अपने घर भी जा चुके हैं, जो कि राहत की बात है। चलिए इसी खबर पर अधिक अपडेट के लिए वन संवाददाता प्रीत किरण मेरे साथ दिल्ली से फोन लाइन पर जुड़ चुकी है। प्रीत, 74,000 का आंकड़ा पूरे देश में पार कर गई है कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या। इसी बीच में कल प्रधानमंत्री ने अपने संबोधन में जनता को संबोधित किया, काफी ज्यादा आत्मविश्वास से लबरेज नजर आए प्रधानमंत्री। क्या कुछ महत्वपूर्ण बिंदु रहे इसके? जी, जैसे आत्मनिर्भर बनने की बात की थी प्रधानमंत्री मोदी, और इसी के साथ आज गृह मंत्री अमित शाह ने ये ऐलान कर दिया है कि 1 मई से जो भी CAPS की कैंटीन है और जहाँ से केंद्रीय सुरक्षा बल के जो कर्मी है वो सामान लेते हैं, उसमें पूर्णतः स्वदेशी सामान को ही बिकने की इजाजत दी जाएगी। यानी एक कदम ये है मेड इन इंडिया की तरफ। जिस तरीके से विपक्ष आरोप लगा रहा था कि मेड इन इंडिया को केंद्र सरकार पीछे छोड़ती आई है और इसी वजह से जो भारत के जो कारोबारी हैं, जो छोटे उद्योग हैं, मझोली उद्योग है, उनको नुकसान हो रहा है। तो फिलहाल जिस तरीके से आत्मनिर्भर बनने की बात की गई थी प्रधानमंत्री मोदी की ओर से कल, तो अब ये पहला कदम है। और इसके साथ ही आज दोपहर 4 बजे वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की ओर से प्रेस कॉन्फ्रेंस की जाएगी कि क्या क्या किस किस क्षेत्र में कितनी कितनी राहत दी जाएगी। जो पैकेज कल प्रधानमंत्री मोदी ने ऐलान किया था 30 लाख करोड़ का, तो उसमें किस किस वर्ग को कितना कितना बांटा जाएगा, आज प्रधानमंत्री मोदी से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से निर्मला सीतारमण ने एक बैठक की मुद्दे पे विचार किया। और अब 4 बजे वो देश के सामने होगा कि क्या कुछ पैकेज का ऐलान किया जा रहा है केंद्र सरकार की ओर। जी प्रीत, एक और इसमें चीज निकल कर आई कि 20 लाख करोड़ के यहाँ एक बड़ी आर्थिक सहायता का, यहाँ पर GDP का 10% वो हिस्सा बताया जा रहा है जिसका यहाँ पर ऐलान किया गया। हालांकि 4 बजे की प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद में ही स्थिति स्पष्ट हो सकेगी कितनी स्पेसिफिक तरीके से ये प्लान रहेगा, लेकिन किस प्रकार से मिडिल क्लास, मजदूर तबका और किसान और साथ ही में इंडस्ट्रीज में ये पैसा वितरित हो पाएगा, इसको क्या प्रक्रिया रहने वाली है? देखिए, जिस तरीके से पहले एक पैकेज का ऐलान किया गया था जब लॉकडाउन 1 का ऐलान किया गया था, उसके साथ में अब जो है ये जो पैकेज है पोस्ट लॉकडाउन किस तरीके से सुधार लाया जाए और खास तौर पे आत्मनिर्भर बनने की ओर, मेड इन इंडिया सामान बनाने, उत्पाद बनाने की ओर पूरा ध्यान रहेगा। यानी कि किसानों के साथ साथ इंडस्ट्रीज को भी काफी कुछ फायदा होने वाला है, छोटे जो कारोबारी हैं उनको फायदा होगा, और साथ में ही वो इंडस्ट्रीज जो बंद हो गई थी, जो पूंजी की कमी की वजह से बंद हो गई थी, मजदूर पलायन कर रहे थे जिस वजह से, तो ये मजदूरों के पलायन को रोकने के लिए भी एक तरीके से ये जो 20 लाख करोड़ है उसमें कहीं ना कहीं ये एक बड़ा ऐलान हो सकता है, जो कि छोटे उद्योग है उनको एक बड़ा फायदा हो सकता है और मजदूरों का पलायन जो है वो इससे कहीं ना कहीं रुक सकता है। इस पे जोर दी जाएगी आज की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी उससे। जी, तमाम जानकारी के लिए बहुत शुक्रिया प्रीत।